तीज का त्योहार मनाएगा, समझिए आप। और हमने क्या कहा था आपसे कि हमारे लिए मलाई कोफ्ता बनाकर रखना। मनाया आपने, जाइए जाकर हमारे लिए परोसिए खाना। मैं क्यों बनाऊं मलाई कोफ्ता? तुमने साथ में भाभी को खा था ना मलाई कोफ्ते बनाने के लिए, मुझे थोड़ी ना। तुमने कहा था ना कि गायत्री दीदी को आसपास भटकने मत देना किचन के। पहले तो ना अपना एक गटर जैसा मुंह बंद रखिए और अपनी औकात मत भूलिए, समझिए आप। अगर घर से बाहर नहीं निकली ना तो धक्के मार कर बाहर निकालेंगे तुम्हें। भागो ऐसे। अरे रुको, अरे रुको। उसे क्यों निकाल दिया तुमने? इस घर में हमसे पहले ना ही कोई मेहंदी लगाएगा और ना ही कोई तीज मनाएगा, समझिए आप। और क्या कहा था हमने आपसे कि हमारे आते ही मलाई कोफ्ता तैयार रखना। चाहिए जाकर हमारे लिए परोसिए। क्यों, मैं क्यों बनाऊं मलाई कोफ्ता? तुम्हें साधना भाभी को खा था, मुझे नहीं। तुम्हें तो खाता कि गायत्री दीदी को किचन से दूर रखना। पहले तुम अपना एक गटर जैसा मुंह बंद कीजिए और ना अपनी औकात में रहकर बात कीजिए हमसे। मंदिरा, ये कोई तरीका है बात करने का? बदतमीजी की हद होती है। हाँ, करेंगे हम बदतमीजी। तो हमें विजय ने लिटरली, विजय उसकी सारी बातें मान रहा है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि बुलबुल जिंदा है, बुलबुल को उसने मारा है और बाद में हमें पता चलता है कि बुलबुल जिंदा है और वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ताकि बुलबुल के थ्रू वो सच उगल दे, क्योंकि उसने विजय से ज़बरदस्ती शादी की है ताकि वो इस घर से निकल जाए। तो हमारी सारी प्लानिंग, सारी फैमिली की प्लानिंग साथ में चल रही है, तो इसलिए हम उसे सह रहे हैं। और तीज का उसे अभी उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि उसे मतलब उसे ये भी करना है कि तीज से पहले ही सब कुछ, मतलब मैं ही रेडी हूँ पहले, कोई और ना हो, कोई बनाए ना मुझसे पहले तीज। तो वो फ्रस्ट्रेशन उसका बढ़ गया बिकॉज़ उसे बुलबुल की भूत नज़र आ रही है। तो रात को उसको बुलबुल की भूत नज़र आती है और दिन में वो नॉर्मल सबके साथ रूडली बिहेव करती है।